हरि ओम नारायण धरण धरण हरि ओम नारायण नारायण धरण धरण हरि ओम नारायण 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 मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जो आपके संगीत के अलावा और क्या क्या रुचियां हैं एवं जो गुरु शिष्य का परंपरा है क्या वो आज भी कायम है आपके इस बारे में क्या राय है। प्राचीन प्रबंध गायकी से ही ध्रुपद गायकी की शुरुआत हुई है। भारत देश ने प्राचीन समय से लेकर आज तक कला, संगीत व अन्य कलाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में प्राचीन संगीत कला धीरे धीरे कम होने लगी व फास्ट म्यूजिक का प्रचलन हुआ। लेकिन आज भी कुछ संगीतज्ञ प्राचीन कला को बांधे हुए हैं वह भारत में उन कला संस्कृतियों को बचाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं संगीत सम्राट श्री अफजल हुसैन जी की, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को बचा के रखा हुआ है, ध्रुपद गायकी में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हुसैन जी पैतृक गुणों के साथ 9 जून 1973 में पैदा हुए। उन्होंने अपने दादाजी उस्ताद मोहम्मद खान जी से वोकल ट्रेनिंग ली। बाद में उन्होंने वोकलिस्ट उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर व रुद्र वीणा उस्ताद मोही उद्दीन डागर से वोकल की ट्रेनिंग प्राप्त की। अफजल साहब ऑल इंडिया रेडियो में ए ग्रेड के संगीत कलाकार हैं। वर्तमान में हुसैन जी गुरु या डायरेक्टर के रूप में ध्रुपद केंद्र भोपाल में कार्यरत हैं। माननीय महोदय के द्वारा बहुत से कार्यक्रम किए गए। हाल ही में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मंडफिया जिला चित्तौड़गढ़ में स्पीक मैके प्रोग्राम के तहत विद्यालय में कार्यक्रम किया गया, जिसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। स्टाफ व विद्यार्थियों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। आइए अब आप सब इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां देखें। शास्त्रीय संगीत की प्राचीन गायन शैली है। प्राचीन प्रबंध गायकी से ही ध्रुपद गायकी की शुरुआत हुई है। स्वर ताल शब्द एवं लय युक्त शैली ध्रुपद कहलाती है। ध्रुपद का शाब्दिक अर्थ व रचना या गीत है, जिसमें शास्त्रोक्त संगीत समस्त पद अर्थात स्वर ताल शब्द आदि अचल या अडिग हो। माँ सरस्वती को वंदन करके मैं अपनी वाणी को शुरुआत करता हूँ। माननीय उस्ताद अफजल हुसैन जी ध्रुपद गायक, अंकित पारिक जी, मोहित यादव जी, जेपी भटनागर जी कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस स्पीक मैके प्रोग्राम,
माननीय प्राचार्य डॉक्टर आर के रावल साहब, मेरे विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार जो आपके सामने विराजमान है पधारे हुए हैं और स्पीक मैके का जो हेडक्वार्टर की तरफ से कार्यक्रम है उसके एवज में ही हम लोग सब इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। और बहुत हर्ष का विषय है, कई दिन से बच्चे और स्टाफ बहुत उत्साहित थे इस कार्यक्रम के लिए, बहुत अच्छे से जोर शोर से तैयारियां भी की गई। और सर्वप्रथम मैं माननीय ध्रुपद गायक अफजल हुसैन साहब और उनकी टीम के साथ साथ कोऑर्डिनेटर जेपी भटनागर साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि इन्होंने विद्यालय में पधार करके यहां पर बहुत हम लोगों को उत्साहित किया है। एक बार मैं सभी बच्चों से इनके स्वागत के लिए बोलूँगा स्काउट क्लैप। हमारे कलाकार अफजल साहब, यादव जी, अंकित जी, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, स्टाफ और बच्चों, हमारी एक संस्था स्पीक मेके जिसका पूरा मतलब है SPICMACAY, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ, युवाओं में भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए पिछले 46 साल से 46 ईयर से ये संस्था पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, खास तौर से भारत में। हमारा ये निशान है आई, ये जो साइड में लगा हुआ है ये आई कहते हैं इसको लोगो हमारा, ये हमारा निशान है स्पीक मेके का। मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ, हमारे साथी लोग भोपाल और उज्जैन मतलब बाहर से आए हुए हैं सभी, इनका सबका भी स्वागत है। आप लोगों को खुशी होगी कि कुछ चुने हुए स्कूलों में और ख़ास तौर से JNV के पूरे देश भर के स्कूल्स में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी तो हमारे प्रोग्राम ये चित्तौड़ में भी होते रहते हैं। हमारी संस्था 46 साल पुरानी है। हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष रहे डॉक्टर किरण सेठ पद्मश्री जिनको मिला है, प्रिंसिपल साहब, हमारे स्पीक मेके के भटनागर साहब और सभी आचार्यगण और सभी प्यारे बच्चों, आज जो म्यूजिक जो संगीत आपको सुनाया जाएगा वो हमारे भारत का सबसे प्राचीन संगीत है। प्राचीन क्यों? क्योंकि संगीत का जहाँ से उद्गम होता है यानी शुरुआत होती है वो है सामवेद। सामवेद का नाम सुना है आपने? सामवेद का शास्त्र है, संगीत का वेद है। जब सामवेद काल था उस समय इसको हम सामगान कहते थे। इसको हम सामगान के रूप में जानते थे। उस समय इसमें सामवेद की जो ऋचाएं उनको पढ़ा जाता था। उस समय 3 स्वर होते थे, जैसे अभी संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं ना, तो उस समय 3 स्वर होते थे, उनका नाम था उद्दात, अनुद्दात, स्वरित। उद्दात यानी नीचे, अनुद्दात ऊपर और बीच में स्वरित, ये मीटर था स्वरों का। फिर धीरे धीरे समय बदला, समय के साथ सब चीज बदलती है, आप लोग इसको जानते हैं, तो संगीत भी बदला। इसमें 3 की जगह 7 सुर हुए, स्वरों के नाम अपन जानते हैं सारेगामा पाधानी, लेकिन उनके भी नाम है जैसे षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। अब 7 सुर के बाद इसमें और परिवर्तन आया कि
पांच सुर ऐसे बने जो कोमल और तीव्र बने, दो दो हो गए, लेकिन दो सुर ऐसे हैं जो एक ही रहे, सा और पा। सारे वर्ल्ड का म्यूजिक, चाहे इंडियन क्लासिकल हो, इंडियन लाइट म्यूजिक हो, या अरेबियन म्यूजिक हो, ईरानी हो, वेस्टर्न म्यूजिक हो, सब कुछ सात स्वरों में है। आशावरी नाम सुना होगा आपने, किसी लड़कियों का नाम भी आशावरी होता है ना, तो ये आशावरी एक राग का भी नाम है, कोमल श्रवण सा। मैंने कैसे बताया कि हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यही नाम बोलेंगे ना, हरि ओम नारायण अनंततम तरण तारण, हरि ओम नारायण। मेरा थोड़ा गला खराब हो रहा है, चार दिन से सुबह शाम बोल रहा हूँ।
ये जोड़ इसको जोड़ कहते हैं। अब इसके बाद इसमें एक झाला होता है, झाला फास्ट होता है। ये वही श्लोक है। हरि ओम नारायण तरण तारण, हरि ओम नारायण नारायण तरण तारण, हरि ओम नारायण 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 तरण तारण, तरण तारण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण 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 तरण तारण, हरि ओम नारायण एक्चुअली गाने में गले का बड़ा रोल होता है, और जब गला खराब हो तो अब पखावज के साथ मैं एक कंपोजिशन सुना रहा हूँ। ताल सूल में शब्द है, आन सुनाए बांसुरी कान, ब्रज भान दुलारे अचानक निकट आई ब्रज माला, आन सुनाए बांसुरी, आन छदशी
किसी और की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जो आपकी संगीत कला और क्या रुचियाँ हैं एवं जो गुरु शिष्य का परंपरा है क्या वो आज भी कायम है? आपके इस बारे में क्या राय है? बैडमिंटन खेलता हूँ, मूवी देखता हूँ, फिल्मी गाने भी सुनता हूँ और सभी जितने भी चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट की टीवी भी देखता हूँ, सब करता हूँ। और गुरु शिष्य परंपरा की जहाँ तक सवाल है तो मैं भी एक मध्य प्रदेश शासन का गुरुकुल है ध्रुपद केंद्र भोपाल में, मैं वहाँ पे खुद गुरु हूँ और वहाँ अपने जो बच्चे सीखते हैं ये मेरे शागिर्द हैं, ये मेरे पास सीखते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा भी चल रही है और हम दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं पंकज तेली कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि आप आज की पीढ़ी को क्या संदेश देंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत को? संदेश देने तो आए हैं आपके पास कि हमारा जो शास्त्र भारतीय शास्त्रीय संगीत है, देखिए संगीत हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। कोई सा भी संगीत हो, कोई सी भी कला हो, हम संगीत को इस तरह से ना देखें कि हमें इसमें ही प्रोफेशन करना है, इसको ही प्रोफेशन बनाना है। संगीत को सुनना आना चाहिए, संगीत का हम आनंद लें, संगीत को सुनना, संगीत समझने की ज़रूरत नहीं है, संगीत को आनंद लेने की ज़रूरत है। और सभी को संगीत, हमारा भारतीय संगीत जो है शास्त्रीय संगीत स्पेशली, इसको सुनना चाहिए। सुनने से ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती सुने, थोड़ा थोड़ा सुने क्या बज रहा है, क्या गाना गा रहे हैं, कौन सा राग है, उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता है और उसके बाद अच्छा लगने लगता है। तो इसको हम कम से कम सुने, तो उसको समझे नहीं तो सुने, और अगर जो करना चाहता है कलाकार बनना चाहता है वो भी हो सकता है। तो संदेश ये है कि इसको सुनना जरूर, ऐसा नहीं कि हम अरे यार शास्त्रीय संगीत कौन सुनना, बोर होता है, ऐसा ना करें। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरा नाम हर्षित शर्मा है, मैं कक्षा 11वीं विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज की जो मॉडर्न शिक्षा जो है, शिक्षा प्रणाली और हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, दोनों में से कौन सी बेहतर है, आपकी इसमें क्या राय है? विद्यालय गुरुकुल ही लगता है, इसमें आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो आपके जो टीचर्स हैं, आपके प्राचार्य हैं, ये सब लोग आपके साथ कितना, और आपका भी डिवोशन है कि आप लोग यहाँ रहते हैं, हमें तो वही प्रणाली लग रही है गुरु शिष्य परंपरा की, तो आज भी है ऐसे ही दोनों भी। अब इसको कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये हम वो भी अच्छी थी ये भी अच्छी, और इसमें इस तरह से जिस तरह से नवोदय में चलता है और बाहर भी चले तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद।